परी जी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप इस परिवार का एक हिस्सा हैं और इस परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना इस परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है, आपका भी। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि मिलावट हुई है, तो मैं आपको अपनी जुबान देता हूँ कि दूध में मिलावट नहीं है। सतू जी, हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे माँ साहब के मान को, सम्मान को, इस परिवार को ठेस पहुंचे। मेरी बहू हो के भी मेरी बरसों की मेहनत पर उंगली उठा रही है। दूध सागर के दूध में मिलावट, ऐसा कभी हो सकता है अम्मा? हाँ, ऐसा कभी हो सकता है? जब मैंने एक गैया के दूध से दूध बेचना शुरू किया था, तभी मैंने कामधेनु माता की कसम खाई थी कि जो भी हो जाए, भूखी मर जाऊं, लेकिन कभी दूध में मिलावट नहीं करूंगी। लेकिन ये परेशानी तो हमें सुलझानी ही होगी और माँ साहब से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें उनसे चाहिए। इससे बुरा और क्या हो सकता है अम्मा? दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन दूध सागर के दूध में मिलावट हो ही नहीं सकती। ओए ओए बबीता नानी, लेकिन अब क्या? हमारा प्लान अभी अधूरा है। वो कैसे? अब हमें ये देखना होगा कि वो कंज्यूमर कोर्ट जाएगी या नहीं। जाना तो चाहिए, अभी तो आग फैलेगी। आने तो आग अगर फैलेगी तो हमें जला देगी। सबके सब लपेटे में आ जाएंगे। ध्यान से सुन लो तुम लोग, अगर परी कोर्ट गई और दूध के टेस्ट में मिलावट निकली, तो हम और सर्वेश बाकी की जिंदगी जेल में बिताएंगे। क्या? अरे क्या करते, जब देखो माँ साहब सर पे कुंडली मार के बैठी रहती हैं। पर पैसे कमाने के लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। बड़े भैया की मदद से लोगों ने थोड़ा दूध में मिलावट कर दी, इसलिए अगर परी कोर्ट गई, अरे तो हमारा भांडा फूट जाएगा और हम दोनों के दोनों जेल जाएंगे। से समझाएं हम आपको सत्तू जी, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो माँ साहब, दूध सागर और इस परिवार के मान के लिए कर रहे हैं। हमारे मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें उनसे चाहिए। हम आपको कैसे समझाएं परी जी, परिवार के खिलाफ अदालत में खड़े होने से पूरा परिवार कटघरे में खड़ा हो जाएगा। ओले पड़ गए, पत्ते भी चढ़ गए। कबर खोदी भी तो खुद के ही ली। अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना सबके सब काम से जाएंगे। तेरे हाथ तोड़ के ऐसा लूला बनाऊंगी कि अस्पताल भी जोड़ नहीं पाएगा, समझ गया? मां साहब माफी,
आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। इन्हें माफ कर दीजिए, बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, शायद मेरी कोई गलती होगी। इसीलिए तुम पिटती हो। पति है तो क्या हुआ, हाँ? जो गलत है सो गलत है। अब जाओ तुम लोग निकलो। और सुन, फिर कभी ऐसा किया तो ऐसा पैर तुड़वाऊंगी कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेगा, समझ गया? अब जा। माँ साहब, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उस नोटिस के सिलसिले में जो कंज्यूमर कोर्ट से आया है, माँ साहब हमें हमें एक मौका तो दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए हमें हमारी बात रखने का, एक मौका। चल मासा, ये जो कंज्यूमर कोर्ट से नोटिस आया है, हमने ये फैसला अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए नहीं लिया है, बल्कि घर वालों से लेकर ग्राहकों की भलाई के लिए लिया है, जिनमें से एक हमारे पापा भी हैं, जिनकी जान दूध सागर की दूध को पीकर जाते जाते बची। ये देख, देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये अनगिनत पुरस्कार और ये बेशुमार इज्जत मिली है दूध सागर को। 25 साल की खून पसीने की कमाई है। नहीं माँ साहब, हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि हमारे पापा के साथ जो भी है हम उसका बदला लेने के लिए सब कर रहे हैं, बल्कि हमारी लड़ाई तो गलत के खिलाफ है, ताकि हम लोगों की जान बचा सके, वही लोग जो दूध सागर को गंगा से भी ज्यादा पवित्र मानते हैं, और इसके लिए हमें मिलावट की गुत्थी सुलझानी होगी। ओ, तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हें पूरा यकीन है कि हम दूध सागर वाले दूध के नाम पे जहर का कारोबार करते हैं, हाँ? नहीं माँ साहब। इसके बाद भी कि तुम दूध सागर परिवार का एक हिस्सा, फिर भी तुम मुझे और मेरे परिवार वालों को नीचा और जलील दिखाना चाहती हो। माँ साहब ऐसा हमने कभी नहीं कहा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि किसी ने मिलावट की है, और आपको नहीं लगता कि हमें पता लगाना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है? माँ साहब लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए वो उंगलियां उठा रहे हैं दूध सागर पे आपके नाम पर। विनती करते हैं माँ साहब, हमें समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें जो सही लगे वही कर।
क्योंकि मुझे खुद पे और मेरे दूध सागर पे पूरा भरोसा। तुम्हें लगता है ना कि कुछ गलत हो रहा है, तो जाओ जाओ जाके देखो कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। जाओ 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 जाओ। ये क्या किया है तूने भावना? उसे कोर्ट में केस लड़ने के लिए बोल दिया? तुझे तो उसे रोकना चाहिए था ना, क्योंकि अब उस घर की वो बहू है। वही तो है अम्मा, वही तो अब उसे समझना है कि वो अब इस घर की बहू है और इसीलिए वो जो भी फैसला लेगी वो इस घर के हक में होगा। आज मैंने कहा होता तो शायद वो केस वापस ले ली होती, लेकिन अम्मा मुझे कैसे भरोसा होगा कि वो इस घर के लिए वफादार है? इसीलिए उसे इम्तिहान देके मेरी कसौटी पे खड़ा उतरना होगा। अब ये देखना है कि वो खुद को दुनिया की ठेकेदार समझती है या इस घर की जिम्मेदार बहू। हे राम श्री राम जय जय राम हमारे पति को बचा लो भगवान। परी कोर्ट ना जाए। आप दोनों क्या कर रही हो? अभी से दिमाग फिर गया क्या? अगर परी कोर्ट चली गई ना तो हमारे पतियों को सजा हो जाएगी और वो जेल चले जाएंगे। पति वहाँ जेल में तो हम यहाँ मां साहब की जेल में। जाने दो परी को कोर्ट। हैं? नहीं गई तो मां साहब की नजरों में गिरी, और अगर गई तो सत्तू जी की नजरों में गिरी। यूं समझो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। बबीता, मुझे लगता है भाभी और आरती का नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम जानती हो ना कि दूध में मिलावट है, अगर जांच पड़ताल हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी, और अगर पॉजिटिव आई तो हमें जेल जाने से कौन बचाएगा? तुम? वैसे बहुत बुरा किया आप दोनों ने। अब जब बड़े ही गलत हैं तो हम छोटों से क्या उम्मीद रखनी? प्रॉफिट कमाया और खुद हड़प गए। हमें और अखिलेश को क्या मिला? चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप हमें हमारा हिस्सा दे दो तो हम ऐसा खेल खेलेंगे कि दूध सागर का दूध गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र निकलेगा। हाँ हाँ, इसमें भी कोई पूछने की बात है? सब कुछ हम सबका ही तो है। पड़ गए, पता नहीं आज ये क्या करेगी, केस लड़ेगी या फिर वापस ले लेगी। आज का दिन हम सब पे बहुत भारी है, भगवान बचाए बस। बढ़िया है चाय देने वाली माँ साहब। चाय? ये कौन सी चाय है? ये ग्रीन टी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लीजिए।
देख के तो नहीं लग रहा कि ये केस पुलिस लेगी। शक्ल देखिए उसकी, बढ़िया ही केस करने वाली। सत्तू बेटा, मुझे मंदिर तक छोड़ देना। जी माँ साहब, हम गाड़ी निकालते हैं। अरे बड़की जी, पूजा का सामान तैयार कर, मैं अभी आती हूँ। जी माँ साहब। बबीता चल किचन में। कहीं परी कोर्ट तो नहीं जा रही? परी अब वो कहाँ जा रही है? अब वो भाभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सुनो, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है, प्रसाद बनाना है, हमारा हाथ बटा दो। अगर तुम प्रसाद बनाओगी तो माँ साहब को बहुत अच्छा लगेगा। जाओ। प्रसाद बनाना है, लेकिन क्या बनाए? तैयार कर ली? जी जी माँ साहब। बड़ी भाभी आई, पत्ते चढ़ जाएंगे। हमें तो लग रहा है वो बावली बिलोट हम सबका शिकार करने जा रही है। आप भी ना भाभी, ओले पड़ गए, हमारी तो जान निकली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बैठे बिठाए जेल की मुसीबत आ जाए। वही तो, ऐसा मत कहिए, चल के देखते हैं कि वो प्रसाद बना रही है कि हम सब को लूं। शराबी? ये भाभी परी कहाँ है? वो तो अभी अभी निकली है, उन्हें कुछ जरूरी काम था। जरूरी काम? लेकिन हमने तो उसे प्रसाद बनाने के लिए कहा था। प्रसाद तो बना के गई है ना भाभी। इतनी जल्दी? सूजी का हलवा है ना भाभी, जल्दी बनता है। और वैसे भी मैं तो दत्तों के लिए जूस लेने आई थी, उन्होंने कहा था कि हलवे को जरा सा चलाकर गैस बंद कर देना। अगर परी ने केस लड़ा तो हम सबकी जान आफत में आ जाएगी। परी कहाँ जा रही हो? जी वो दूसरी गाड़ी नहीं है, आओ हम तुम्हें छोड़ देते। कहाँ छोड़ना है तुम्हें? जी कंज्यूमर कोर्ट। सत्तू, मुझे पहले मंदिर छोड़ दे, उसके बाद उसे जहां जाना होगा वहां छोड़ देना।
कल रात जो मैंने परी जी से बात की थी, उम्मीद करता हूँ वो मेरी बात की इज्जत रखेंगी। लेकिन अब जब वो कोर्ट जा ही रही हैं तो क्या वो मुकदमा वापस लेंगी या नहीं? अदालत तो जा रही है, लेकिन अब तेरा असल इम्तिहान है कि तुम केस वापस लेके परिवार का मान बढ़ाएगी या अपनी जिद पे अड़े रहकर अपनी बची बची इज्जत भी मेरे नजरों में गिराएगी।